1 लीटर दूध लेंगे हम, फ्रेश क्रीम का एक पैकेट लेंगे, चीनी लेंगे हाफ कप, खोया लेंगे हाफ कप, कंडेंस मिल्क लेंगे हम 2 टेबल स्पून भर के, कॉर्नफ्लावर लेंगे हम 2 टेबल स्पून, इलायची पाउडर लेंगे हाफ टी स्पून, कटे हुए पिस्ता लेंगे हम 2 टेबल स्पून, कटे हुए बादाम लेंगे 2 टेबल स्पून, जाफरान लेंगे हम चुटकी भर, केवरा लहसुन लेंगे हम 1/4 टीस्पून। अगर आपके पास जाफरान नहीं है तो कोई मसला नहीं, आप उसके बगैर भी शाही कुल्फा बना सकते हैं। तो क्रीम का एक पैकेट 200 ml का है। तो सबसे पहले हम बर्तन में दूध डालेंगे और थोड़ा सा हम दूध बचा लेंगे कॉर्नफ्लावर को मिक्स करने के लिए। अब हम फ्लेम ऑन करेंगे। तो फ्लेम हमने मीडियम रखी हुई है, मीडियम फ्लेम पे हम दूध को बॉयल आने देंगे। तो दूध में बॉयल आ गया, ये देखें दूध में अच्छा खासा बॉयल आ गया, इसे हम चम्मच से चला रहे हैं। अब इसमें हम ये चीनी ऐड कर देंगे और इसको चलाएंगे। और फ्लेम मैंने मीडियम से थोड़ी कम की है, तो इसे हम 5 मिनट तक पकाएंगे मीडियम टू लो फ्लेम पे, चम्मच हम चलाते जाएंगे साथ साथ। तो 5 मिनट हो गए हैं, हमने दूध को अच्छे से पका लिया है, फ्लेम हमने बिल्कुल लो की हुई है इस टाइम। अब इसमें हम ये जाफरान ऐड करेंगे, अगर आपके पास नहीं है तो आप मत डालें, मिक्स कर लेंगे। और साथ इसमें इलायची पाउडर ऐड करेंगे, मिक्स करेंगे। तो दूध को मिक्स हमने अच्छे से कर लिया। अब हम कॉर्नफ्लावर तैयार करेंगे। अब एक प्याले में हम ये कॉर्नफ्लावर डालेंगे और साथ ही ये बचा हुआ दूध हम इसमें ऐड कर देंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। तो ये हमने मिक्स कर लिया, अब इसे हम दूध में ऐड करेंगे। तो थोड़ा थोड़ा करके मैं ऐड करूंगी, 7 चम्मच चलाते जाऊंगे। तो ये सारा हमने ऐड कर दिया, इसमें अच्छे से हिला लेंगे। और अब इसमें हम ऐड करेंगे खोया, मिक्स करेंगे। फ्लेम मैंने इस वक्त बिल्कुल लो रखी हुई है, खोए को अच्छे से दूध में मेल्ट कर लेंगे। ये वही खोया जो मैंने आपको बनाना सिखाया था मिल्क पाउडर से, आप घर में आसानी से बना सकते हैं। और साथ इसमें ये कंडेंस मिल्क ऐड करेंगे, ये भी होममेड कंडेंस मिल्क है, मैंने आपको बनाना सिखाया हुआ है, आप मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं इसकी वीडियो। आप मेरे नाम से सर्च करें तो आपको इसकी रेसिपी मिल जाएगी। तो फ्लेम मैंने लो रखी हुई है और साथ ही हम इसमें ये कटे हुए पिस्ता ऐड कर देंगे, कटे हुए बादाम, केवड़ा लहसुन करेंगे ऐड। अब इसे मिक्स करेंगे। तो हम फ्लेम को बंद कर देंगे। तो फ्लेम हमने बंद कर दी, अब इसे थोड़ा ठंडा करेंगे, उसके बाद हम इसमें क्रीम ऐड करेंगे। गरम गरम में क्रीम ऐड नहीं करेंगे, तो अब इसे ठंडा होने के लिए हम रख देंगे। तो ये अच्छे से ठंडा हो गया, अब इसमें हम क्रीम ऐड करेंगे, मिक्स कर लेंगे अच्छे से। हम क्रीम को दूध के साथ मिक्स कर लेंगे। अगर दूध में क्रीम अच्छे से मिक्स ना हो तो आप इसे मिक्स कर लें। तो ये देखिए, ये सारी क्रीम दूध के साथ अच्छे से मिक्स हो चुकी है। अब हम इसे डालेंगे एक बोल में। तो टी के एक मोल्ड ले लेंगे, उसमें मैंने अल्मोनियम की शीट्स लगा ली है। अब ये बैटर हम सारा इसमें डाल देंगे। अगर आपके पास मोल्ड नहीं है तो आप कोई सा भी आइसक्रीम बॉक्स ले लें, उसमें आप डाल दें और आपका कुल्फा तैयार हो जाएगा। अभी हम इसमें डाल देंगे। तो ये सारा फिल करने के बाद इस पे हम बटर पेपर रखेंगे। तो बटर पेपर लगाने के बाद हम इस पे अल्मोनियम की शीट लगाएंगे। तो अब इसे हम फ्रीजर में रख देंगे 1 दिन के लिए। 1 दिन के बाद हमारा शाही कुल्फा तैयार हो जाएगा। अगर आपके पास ये चीजें नहीं है, अल्मोनियम शीट नहीं है, बटर पेपर नहीं है, तो आप कोई बॉक्स लें, उसमें भी आप कुल्फा बना सकते हैं। अब इसे हम फ्रीजर में रखेंगे। तो अब इसे निकाल लेंगे और इसका अल्मोनियम को निकाल लेंगे। तो अब इसे हम स्लाइस में काट लेंगे। तो ये देखें, इसी तरह हम इसे स्लाइस में काट लेंगे। तो अब इस पीस के हम 2 हिस्से कर लेंगे। तो इसे हम प्लेट में रखते जाएंगे। तो तैयार है हमारा ठंडा ठंडा मजे का शाही कुल्फा।